दुनिया में मां का दर्जा हमेशा ही सबसे ऊपर रहा, लेकिन कोई मां अपने मासूम बच्चे पर अत्याचार करे, इससे कहीं ना कहीं मां नाम कलंकित होता होगा। ऐसा ही एक मामला विदिशा में देखने को मिला। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। चाइल्डलाइन विदिशा को फोन पर सूचना मिली कि करैया खेड़ा क्षेत्र में 1.5 साल की मासूम बच्ची के साथ उसकी सौतेली मां क्रूरता के साथ मारपीट कर रही है। ऐसा नहीं है कि इस मां ने आज ही बच्ची के साथ ऐसी मारपीट की हो, इससे पहले भी कई बार बच्ची के साथ मारपीट की गई। मोहल्ले वासियों ने कई बार इसकी शिकायत पुलिस में करनी चाहिए, लेकिन कोई ठोस सबूत हाथ न होने के कारण शिकायत नहीं कर सके। चाइल्ड लाइन को मिली सूचना के बाद चाइल्ड लाइन, बाल कल्याण समिति, महिला बाल विकास विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर उस मासूम बच्ची को रेस्क्यू किया। क्या मामला है? अभी 10:08 पे 6:30 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई थी कि विदिशा में कोई मोहल्ले में एक 1.5 साल की बच्ची को एक महिला उसके लिए मार रही है, मार के कहीं छोड़ के गई है उसके पड़ोसी के, जिसके संबंध में हमारी चाइल्ड लाइन टीम और महिला बाल विकास द्वारा टीम बनाकर पुलिस बल के साथ वहाँ पर पहुँची और बच्ची को रेस्क्यू कराया और अभी बच्ची को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एडमिट कराया गया है। आज ये जो मामला आया है, अभी 10:08 पे एक कॉलर ने सूचना दी थी कि एक लगभग 1.5 साल की बच्ची है जिसके साथ उसकी माँ मारपीट करती है। तो तुरंत ही जैसे ही मुझे जानकारी दी उन्होंने, उसके बाद मैंने महिला बाल विकास और पुलिस से संपर्क किया और हम लोग पूरा एक टीम बना के वहाँ पर स्पॉट पर पहुँचे। तो महिला तो घर पर नहीं मिली, घर में ताला डला हुआ था, तो वहीं पड़ोस में बच्ची मिली। तो फिर हम लोग पूरा टीम उसको रेस्क्यू करके लेके जिला चिकित्सालय लेके आए। अभी डॉक्टर उसका ऑब्जर्वेशन में करके अभी उसका चेकअप चल रहा है। तो डॉक्टर का कहना है काफ़ी जगह जगह चोट हैं शरीर पे, कुछ पुराने भी हैं उसके नाम। वो लाइफ लाइन वाले लेके आए और गर्ल से लग रहा है उसको थोड़ा खरोच अरोच पूरे शरीर में, जैसे टॉर्चर करते हों उसके पेरेंट्स इस टाइप से, बहुत सारी है। और वो 7 दिन के भीतर के हैं, मतलब अभी रिसेंट के तो नहीं है, लेकिन 5-6 दिन में ऐसे रोज़ उसको कोई नाखून से ऐसे झपटते हैं ऐसे हाथ में, चेहरे पे, उसकी आँख में ऐसे ऐसे। फिलहाल पुलिस ने बच्ची की माँ को गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बांड न्यूज़, विदिशा।